सलेमपुर की राजनीति में वर्तमान सांसद की उतनी चर्चा नहीं है जितना कि वहां से लड़ने वालों की। ताबड़तोड़ मेहनत और जनसंपर्क से पूरे क्षेत्र में जबरदस्त चर्चा ये है कि भाजपा का अगला चेहरा कौन होगा। खैर, अभी तक सांसद रविंद्र कुशवाहा सब पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वह कोयरी बिरादरी से हैं और मुख्यमंत्री के भी करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में उनका टिकट कटना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैसे बीजेपी के सर्वे में क्या है ये बताना बड़ा मुश्किल है। यदि सर्वे रिपोर्ट से मौजूदा सांसद की रिपोर्ट अच्छी नहीं रही तो कोयरी समाज का दूसरा भी चेहरा भाजपा के पास है जो मैदान में उतर सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है। खैर, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे ये भी माना जा रहा है कि भाजपा इस सीट से पिछड़ी जाति को महत्व देगी क्योंकि पूरे पूर्वांचल से एक ही कोयरी बिरादरी का चेहरा सलेमपुर लोकसभा सीट से है। ऐसे में भाजपा कोयरी ही समाज से जुटे किसी नेता को टिकट देकर मैदान में उतारेगी। कोई कितना भी दावा कर लेकिन भाजपा के जातिगत दृष्टि से सलेमपुर लोकसभा सीट से कोयरी बिरादरी को जाएगा जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है।